कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भावना आहत हो सकती है। स्टालिन को छोड़कर उत्तर भारत के किसी पिछड़े नेता दलित नेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये जो थर्ड डिवीजन और 33% है, जाके इतिहास उठा के कोई पढ़ लो, तमिलनाडु के ब्राह्मणों की देन है। शुक्रिया आप सभी का। और नीरज अगर सामान्य है तो मैं अति सामान्य वक्ता हूँ। सबसे पहले यहाँ आते आते एक साथी ने मुझे किताब दी है, प्रबल हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी अंकुर गोस्वामी, अच्छी किताब लगी। और भगत सिंह के साथी एक रिसर्च बुक है, तो मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, इसमें चर्चा भी होनी चाहिए। बहरहाल आज जो है जनऊ कोटा कहते ज़्यादा बेहतर है, EWS पे ये सभा बुलाई गई। अब क्या कहूँ मैं, दो वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपना पक्ष जरूर रखने की कोशिश करूँगा। जिस दिन ये कोटा आया था, अगर कोई साथी याद होगा, डे वन से उसी दिन से हम लोग इसके खिलाफ थे, इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ रहेंगे। पहला फंडामेंटल, इसमें कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं। बहरहाल अभी दो दिन पहले एक चैनल पे मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए कि EWS पे डिस्कशन है। छः उसमें स्पीकर थे, उर्मिलेश जी थे, हमारे साथी लक्ष्मण भी थे, तमाम लोग थे। और वो है, वो सत्य हिंदी है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। डिस्कशन शुरू होने के 18 मिनट बाद आप YouTube चैनल खोल लीजिए कि वो जो है, जैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ मेरी बारी आई, मैं मुस्कुरा रहा था EWS कोटा पर, और मेरे पास मुस्कुराने के अलावा और कोई जो है रास्ता नहीं है। तो मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी बारी जब बोलने की आई, कि जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भावना आहत हो सकती है। और मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आहत के लिए ही आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इतिहास के छात्र होने के नाते कि नथिंग इज सुप्रीम इन दिस कंट्री, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम है। और जजेज का ऑब्जर्वेशन या ऑर्डर वो सुप्रीम नहीं है, वो समीक्षा के क्रिटिकल एनालिसिस के परे नहीं है। और इसका एग्जांपल दो बार हम लोगों ने देख लिया है कि जब 2 अप्रैल 2018 को और 5 मार्च 2019 को रोस्टर और SC ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसको हम लोगों ने निरस्त करवाया। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि जो कह दिया उसमें सब, जब सम्मानीय ऑनरेबल कोर्ट ही कर रहे हो तो फिर टीवी पर डिस्कशन किस बात का करा रहे हो। भाई साहब ने मुझे म्यूट कर दिया उस पत्रकार महोदय को किसी पब्लिक मीटिंग में जाकर, और उसको डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स क्या है एक दिन समझाऊंगा, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, म्यूट कर दिया। मेरे ही चैनल पर आके देखिए, एक घंटा डिस्कशन करता हूँ, कभी किसी का एक लाइन भी नहीं काटता हूँ, ये जिम्मेदारी के साथ। बहरहाल अब चलिए, पॉइंट ये है कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता था कि मुझे म्यूट कर दिया, कि मैं तो मुस्कुरा रहा था, हो सकता है मैं सुप्रीम कोर्ट पे सरकाज्म करता, कटाक्ष करता, मजाक करता, मेरी बात ही नहीं सुनी गई। तो आज कम से कम यहाँ पे आप लोगों को सुना देता हूँ कि सबसे पहली बात, कि कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ये स्पॉन्टेनियस जो है ना, जजेस को इस पर पब्लिक मीटिंग एड्रेस करना चाहिए कि जनता को सिंपल भाषा में समझाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ये तो पूछा जा सकता है। तो इस पर जजेस का जब बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे नंदा जी बोली है, तो जजेस तो इतने लर्नेड हैं, ऑनरेबल हैं, तो पब्लिक में आके पहले क्लैरिफाई करें। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम सेइंग दिस, यू मस्ट क्लैरिफाई व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस का भी एग्जाम होना चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये सवाल एक था। दूसरा सवाल, इंदिरा साहनी केस 9 जजेस बेंच थे, तो 9 जजेस बेंच 5 जज का बेंच कैसे ऑर्डर सुपरसीड कर सकता है। पहला ये फंडामेंटल कॉमन सेंस सवाल है, कहने के लिए जजेस कह सकते हैं कि नहीं हमने कोई सुपरसीड नहीं किया है, कहने के लिए आप जो मर्जी है कर लो, लेकिन व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केस,
The outcome is कि we have superseded the इंदिरा साहनी जजमेंट, ये बात है। तीसरा सवाल कि अगर पांच में तीन दो भी डिवाइडेड है तो क्या इस देश के नागरिक होने के नाते मैं फुल बेंच डिमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि फुल बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए और इसमें लाइव खुलेआम बहस हो। जजेस खुदा नहीं होते हैं, या आपने जो लिख दिया वो सैक्रोसेंट है, जजेस के ऑर्डर भी जज बदलते हैं। और अभी जो नया चीफ जस्टिस बनने वाले हैं चंचूर साहब, इन्होंने अपने एक फादर के जजमेंट को बदला हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें सीधा और सीधा बायसनेस है, ये साफ दिख रहा है। अब आइए थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस से बताता हूँ। ये तो पक्ष था कानूनी पक्ष कि जजेस को कैसे क्या करना चाहिए, बताओ क्या है फंडामेंटल स्ट्रक्चर। दूसरा कि भाई दुनिया में ऐसा कोई अफर्मेटिव एक्शन, कोट अनकोट कह रहा हूं, कोई ऐसा अफर्मेटिव एक्शन नहीं हुआ होगा जिसमें कोई आंकड़ा नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं, और 48 घंटे के अंदर जो है आपने पास करा दिया। 48 घंटे के अंदर आपने पास करा दिया, इसके लिए जिम्मेदार मैं अपने नेताओं को मानता हूं। स्टालिन को छोड़कर उत्तर भारत के किसी पिछड़े नेता, दलित नेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और वो हम लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे। सब लोग दोनों हाथ खोल के कह रहे थे, स्वागत करते हैं कि अब जाति के हिसाब से मिलेगा। तो हम कह रहे हैं अब कि आप जाके जरा ओबीसी का 54% तो करवा लो, अब तो हो गया, करवा के तो दिखाओ। इलेक्शन का समय जाके उसी कल्चरल डोमेन में, इडियम्स में आप खेलते रहते हो, नमस्ते करते रहते हो, अब ओबीसी का रिजर्वेशन आप दिलवाओगे 54%, कंफ्यूजन मत पालो और आप लोग भी ना पालिए, भले आप जात जात के नेता बनाते रहो। तीसरी बात है कि रिजर्वेशन क्या है, यह गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है क्या? भारत एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, हम कह रहे हैं क्या आप एक काम करो, गरीबी उन्मूलन कर दो, अडानी अंबानी का संपत्ति सारा लेके निर्धन ब्राह्मणों में बांट दो, क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूं कि बटे, निर्धन ब्राह्मण का हम भी उत्थान करना चाहते हैं, तो कहां से? अडानी अंबानी को जो दे रहे हो पैकेज में, दिए जा रहे हो सब, बेच बेच के दिए जा रहे हो, लाओ बेचारा सबको बांटो। दोस्तों ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और ये बहस इस समय नहीं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये बहस उस समय भी हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जब उस संसद में ये बहस उस समय भी हुई थी, लर्नड मेंबर्स ने इसको इग्नोर किया था, इसको माना नहीं था। तो उस समय के पार्लियामेंटेरियन ज्यादा बुद्धिमान पढ़े लिखे थे कि आज के पार्लियामेंटेरियन ज्यादा बुद्धिमान पढ़े लिखे हैं? आजकल तो खाली मुंह ठोकवा एमपी सब बनता है हाथ उठाने वाला, इसे साहब बोल दिया हाथ उठाना, तो साहब कोई पढ़ता भी नहीं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि देश से पूरी गरीबी ही खत्म हो जाए। दोस्तों ये पहला रिजर्वेशन है जो विशुद्ध खांटी रूप से जाति के आधार पर आया है। चलिए आर्टिकल से मैं लिए चलता हूं, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन था वो जाति के आधार पर नहीं था, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर था। और उसमें जो है आप जाकर देखें तो कई जगह ब्राह्मण भी है, बिहार उत्तर प्रदेश में तो है ही, गुजरात में जाए वहां पर राजपूत भी उसमें है। एससी का आया था वो सोशल एक्सक्लूजन अनटचेबिलिटी के आधार पर आया था, एसटी में तो कई जगह ब्राह्मण भी एसटी में है, आप जाकर देख लीजिए। तो ये नया शिगुफा जो है ये बनाने की क्या जरूरत पड़ी? गरीबी आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं भाई साहब, गरीब आपसे ज्यादा मोहब्बत है मुझे गरीबों से, कि अगर कोई सवर्ण गरीब है तो सोशल एक्सक्लूजन के कारण गरीब है कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब है, ये सवाल उठाना चाहते हैं। क्यों क्यों ये 70 साल में कुछ लोग अमीर से अमीर होते चले गए? दे ऑफ ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि 1% लोगों के पास देश का इतना संपत्ति है, 70% संपत्ति है, क्या निर्धन अपर कास्ट उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा? वो हम चाहते हैं कि लड़ाई हो, वो चाहते हैं संघर्ष हो, और वो बटे सब में बटे। आज तक स्कूल में जो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था, पढ़ते हैं कि अभी है कि नहीं स्कूल में है? एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था, और जो राजा दान बढ़िया से दे, एक प्रतापी राजा था, जो राजा दान न दे वो बोले कलयुगी था, निकृष्ट राजा था। अरे 2500 साल 3000 साल में एक आदमी जो है अमीर ब्राह्मण नहीं हुआ,
एक आदमी जो है सब विद्वानी था, एक आदमी तो गड़बड़ होना चाहिए था, सब विद्वान है। एक कथा का जो नरेशन होता है, जो बनाया जाता है, मेरिट की बात अभी कर रही थी, आज मेरे क्लास में मेरे छात्रों से डिस्कशन हुआ, बोले मेरिट क्या है, लाओ तुम्हें बताते हैं मेरिट क्या है। क्या दो अनइक्वल्स के बीच इक्वालिटी हो सकती है? आप जब शुरू ही कर देते हैं तब 50 कदम आगे बढ़े रहते हैं, ऑल एंटायर सोशल कल्चरल कैपिटल यू आर हैविंग, सब कुछ आपके पास है, और हम जहां बैठते हैं वो हर समय स्टिग्मा, ये वो मेरिट, मेरिट माई फुट। बताओ, बताता हूं मेरिट क्या है, जाके लॉर्ड मैकॉले को पढ़ो और एजुकेशन कमीशन का रिपोर्ट पढ़ो, जिसको अंग्रेजी आ गई मेरिट है। अगर इतना मेरिट है तो संस्कृत में जाके IIT चला के दिखाओ, मुझे दिखाओ। चार जनरेशन पहले तुमने अंग्रेजी सीख ली, 3 जनरेशन पहले तो तुम्हारी मेरिट हो गई। अभी चेकिंग करता हूं, मैं करता हूं चेकिंग, ला मेरिट, मैं भी जानता हूं सब मेरिट वालों को, 30 साल से इस कैंपस में हूं, और मैं ये भी बताता हूं, जाके तमिलनाडु ब्राह्मण का इतिहास पढ़िए कि अंग्रेजी जब आया, और मेरिट पर जानना छात्रों को जरूरी है, तो आया तो लोग बोला कि भाई वो तो फेल हो जा रहे थे सब, 1931 तक जाके देखिए सब फेल हो जा रहे थे। तो जाके बोले माई बाप, हुजूर, माई लॉर्ड, हमारा बचवा फेल हो जाता है, सो थर्ड डिवीजन कर दीजिए। 33% इस देश में जो है ना, किसी दलित पिछड़े ने नहीं मांगा कि 25% करो पास मार्क, ये जो थर्ड डिवीजन और 33% है, जाके इतिहास उठा के कोई पढ़ लो, तमिलनाडु के ब्राह्मणों की देन है, उन्हीं के लिए था ये। हमने कभी नहीं मांगा कि हम तो हमें देते हो, तो बोलते भाई एडमिशन दे दो, पास हम कर लेंगे, वहां से आया है मेरिट। तो 2 जनरेशन पहले अंग्रेजी सीख लिए तो बोले हम मेरिट हैं, है? तो मैनेजमेंट आया में पढ़ाओ संस्कृत में भवती, मैनेजमेंट का लाओ वर्ड लाओ। तो साथियों, सवाल ये है, ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पहले समझिए, ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, और जब तक पॉलिटिकली इसको फाइट बैक नहीं करेंगे, ये सरकार तो मनसा है, हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, जब थोड़ा बड़ा आदमी जो सीनियर होते थे नहीं खेलने देता था, तो चुपके से खुरपी से पिच हम लोग जो है डिस्टर्ब कर देते, खुद खा देते थे पिच को। तो ये सरकार बेसिकली आरक्षण पूरा ये खत्म करना चाहती है, इसलिए उसको इतना घाल मेल कर दो कि उसका कोई मतलब ही ना रहे, इतना घाल मेल कर दो। आज विश्वविद्यालयों में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल ही ना है, कई एडवर्टाइज वो गुजरात मॉडल से भी आ रहा है कि 40,000 का प्रोफेसर चाहिए, अब विश्वगुरु बनना है, बाहर जाएंगे तो बोलेंगे मैं तो युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहां आएंगे तो शस्त्र पूजन करेंगे, वहां जाके बोलो कि हम मनु की धरती से आए हैं। तो ये पूरा जो लीला है, वैसे भी माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां जहां झुकते हैं वो समझिए नष्टी हो जाता है, अडवाणी जी के बाद झुके तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए, संसद में आए झुके, नया संसद बनवा दिए। ये सब खाली नई सिंबोलिज्म है, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कैसे तोड़ा जाएगा, बोले कि मैं बाबा साहब की वजह से हूं, मेरे दलित भाइयों को मत मारो मुझे मार लो, वो दलित पे आक्रमण बढ़ गए, बाबा साहब की वजह से आया हूं, इतना आया है कि जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट थे वो सारे बिक रहे हैं। अरे भाई 10% लेने वाले भाइयों, मेरे से असहमति हो सकती है, मैं तो थ्योरेटिकली इसके खिलाफ हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये भावना नहीं थी, आप पढ़िए उसको ठीक से, इतिहास के छात्र होने के नाते अगर मैं जो समझा हूं वो बोलूंगा, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हमने अगर मैं कह रहा हूं कि भावना आहत हो सकती है, तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनपार्लियामेंट्री क्या है, इसमें क्या है, क्या जजेस हमारे या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति हमारे खुदा हो गए, क्या ये लोकशाही है या फिर तानाशाही है, ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा, भावी पीढ़ी को ये सवाल उठाना पड़ेगा। भाई 10% वालों के बेनिफिशियरीज लोग, पहले एक बार पूछ लो, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, अभी मिल रहा अच्छी बात है, मैं खिलाफ हूं ना, व्यक्तिगत रूप से मैं खिलाफ हूं, कोई बात नहीं, मुझे इग्नोर कीजिए। तो एक कथा सुना के मैं, स्टोरी सुना के मैं उसको बंद करता हूं। 2 लोग थे, एक थोड़ा तेज था, खुरापाती था, और एक थोड़ा सा हल्का फुल्का था, एक किताब था और दोनों में झगड़ा हुआ, किताब पढ़ेगा कौन, जो तेज था उसको किताब पकड़ा दिया, इसे इधर आओ, इधर आओ प्रेस वाले भाई,
किताब पकड़ा दिया, लो किताब तुम्हारा, तो किताब खुश हो गया। लेकिन जब जैसे जैसे खोले ऐसे तो बोले नो, पन्ना हमारा है, किताब तुम्हारा और पन्ना हमारा। एक तरफ झुंझुना पकड़ा रहा है, दूसरे सारे पीएसयू हवाई जहाज रेल सब बेच रहा है, नौकरी लोगे कहां, नौकरी लोगे कहां। ये जो लॉलीपॉप दिखा रहा है, ले लो ना जाके लड़ो। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट को बचाने की लड़ाई लड़ेगा एससी एसटी ओबीसी। आ कोटा सबसे पहले चाहिए आपको, तो जाके पहले लड़ो, मोर्चा निकालो कि रेल को मत भेजो, जहाज को मत भेजो। और जितना नवरत्न कंपनी है बनाए तो कुछ नहीं, कुछ बनाते तब ना बेचते। हम कांग्रेस में कोई समर्थक नहीं है, लेकिन 70 साल में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बने, जो बने उसी को तो बेच रहे हो। तुम्हारे मनुस्मृति ने तो कुछ बना के दिया नहीं है? तो वो तो बना के दिया नहीं, तो बेच तो वही रहे जो पहले लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लंबी चलेगी, और जो निर्णय आया है, मैं कोई अचंभित नहीं हूं, मैं कोई अचंभित नहीं हूं, क्योंकि जो जैसी राजसत्ता होती है, जुडिशरी का पूरा चाहे इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर। अभी देखिए, हम इस कैंपस में बहुत दिनों से ऐसी मीटिंग करते थे, अरे जुबली हॉल से पैदल आर्ट्स फैकल्टी केएमसी हिंदू सब घूमते कमला नगर चले जाते थे, जब मर्जी सभा कर लेते थे। आज देखो यहाँ 50 लोग इकट्ठा हो गया, पुलिस वीडियो बना रहा है, ये रेन ऑफ टेरर है क्या? कौन है भाई? तुमको देखना हुआ यूट्यूब पे जाके देख लेना मेरा अम्बेडकर नाम पे सारे भाषण ऐसे डाल दूंगा, अनकट डाल दूंगा, हर जगह पुलिस। किसने परमिशन दिया अंदर आने के लिए? ये सवाल कौन पूछेगा? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बगैर अथॉरिटी के परमिशन के आप कैसे घूम सकते हैं? हर जगह कैसे रोक सकते हैं किसी को? तो ये सरकार हर जगह डरा के कहीं लॉलीपॉप देती है, लेकिन डरती भी है। मैं जानता हूं किससे डरती है सरकार, इस संसद से नहीं डरती है। मेरे कई दोस्त पार्लियामेंटेरियन हैं, बोलते हैं बॉस अब संसद से कुछ उम्मीद नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हो रहा है, एजेंडा सेट कहीं और से होता है, संसद में जाता है रूटीन घूम घाम के पास हो जाता है। तो लोहिया के स्टेटमेंट के साथ बात खत्म करूंगा कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हाथी जब सनकता है, हाथी सनकता है तो उसको पकड़ने के लिए ऊंट लाते हैं ना, कान पकड़ता है। तो लोकशाही में कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज द पीपल। जब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें जय सिया राम से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं शुरू किए थे, अल्लाह अकबर से शुरू नहीं किए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब था वो जानते थे, और 25 नवंबर को उन्होंने भाषण में कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कभी भी इसी संविधान का इस्तेमाल करके कोई तानाशाह आ सकता है। इसीलिए उन्होंने मंत्र पहले ही लाइन में छोड़ दिया था कि वी द पीपल। इसका मतलब है कोई तानाशाह आया था तो तुम लोग भारत के लोग उठना और ऊंट की तरह हाथी या कान पकड़ के ठीक करना। वो ताकत कहाँ है? वो ताकत आपके राजनीतिक अधिकार में है, वोट देने में है। ऐसे लोगों को हरवाइए, 24 में चुनाव आ रहा है, बाहर कीजिए पार्लियामेंट से, होश ठिकाने तब आएगा। शुक्रिया, जय भीम।